द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। WWE में एक ऐसा नेम है रोमन रेंस जिससे पूरी WWE जानी जाती है। गाइज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये सही बात बोल रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा हाँ या ना। तो गाइज आज हम ऐसे पांच मोमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं रोमन रेंस के, जो WWE में प्रूव करता है कि द ट्राइबल चीफ एक ही है, वो है रोमन रेंस। तो भाई साहब पहला मोमेंट है रोमन रेंस ने जब पे बैक में पहली बार यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को रिटर्न करने के बाद जीता था फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन को तोड़ के। और दूसरा मोमेंट तो उससे भी मस्त है क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंस को सेव करते हैं ब्रॉक लेसनर से, लेकिन ब्रॉक लेसनर तो भाई साहब पॉल हेमन के ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उनके ऊपर रोमन रेंस टूट पड़ेंगे। और रोमन रेंस ने उनको एक ऐसा स्पीयर दिया कि बैरिकेड ही टूट गया। और थर्ड वाला तो उससे भी खतरनाक सा है क्योंकि रोमन रेंस ने जॉन सीना को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था WWE समर स्लैम में। जॉन सीना समर स्लैम में बहुत अच्छे तरीके से वापस आए थे, एक बहुत ही बड़ा मस्त और बहुत ही अच्छा सा बैकअप लेकर आए थे समर स्लैम में। वो सोच रहे थे रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ को हरा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि द ट्राइबल चीफ एक ऐसा दीवार है जिससे लड़ना नामुमकिन है। और जॉन सीना तो भाई उस दीवार से टकरा गए थे, लेकिन जॉन सीना का हाल बेहाल हो जाता है समर स्लैम में जब वो रोमन रेंस को हरा ही नहीं पाते हैं इतना मारने के बाद। और रोमन रेंस के दो स्पीयर में जॉन सीना ख़त्म हो जाते हैं और हेड ऑफ द टेबल का फिर से एक बार परचम लहरता है WWE समर स्लैम में और रोमन रेंस जीत जाते हैं। फोर्थ वाला तो भाई साहब रोमन रेंस का ही सब कुछ है। फोर्थ में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर की ऐसी छीली है कि ब्रॉक लेसनर को ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हील रोमन रेंस से ना ही पंगा ले तो सही है। रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को ये क्या नहीं कह डाला तो छोड़िए, WWE को रोमन रेंस ने अपना बना लिया। यहाँ तक कि रोमन रेंस कहते हैं ब्रॉक लेसनर ये मेरा रिंग है, ये मेरा WWE है, ये मेरे कमेंटेटर हैं, ये मेरा रेसलमेनिया साइन है, ये मेरे उसोज हैं, ये मेरी पब्लिक है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम जाओ घर पे चाय पियो, खेती बाड़ी करो, मुझसे लड़ने के बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि समर स्लैम या रेसलमेनिया कभी भी तुम उससे जीत नहीं सकते एनीवेयर। ब्रॉक लेसनर तो बैठे बैठे सुन के चले जाते हैं भाई साहब, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, उनकी छिल जाती है पूरी तरह से रोमन रेंस के थ्रू। और रोमन रेंस ने ऐसा किसी को आज तक प्रोमो में छीला नहीं ऑस्टन थ्योरी को छोड़ के। फिर पांचवा है और रोमन रेंस का और भी मस्त मोमेंट है क्योंकि रोमन रेंस ने डैनियल ब्राइन और एज को पहले ही समझाया होता है कि मैं तुम दोनों को ऐसा तोड़ूंगा रेसलमेनिया में कि तुम दोनों को याद रहेगा ज़िंदगी भर। और ऐसा ही रोमन रेंस ने कुछ किया उन दोनों लोगों के साथ। रोमन रेंस ने जॉन सीना और एज को एक साथ तोड़ा और एक ही साथ फिन करके यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को रेसलमेनिया में रिटेन कर लिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए।